दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से कि आप लोगों को मालूम है कि आज 21 जून है और आज 21 तारीख को मुंबई के अंदर कासिम हीरा और नेरुल वाले मामले के केस की सुनवाई आज होनी थी, आज आर्ग्यूमेंट होना था। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज कंपनी की वकील तमन्ना शेख मैडम ने बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट किया और कासिम हीरा का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। उन्होंने जो भी सवाल पूछे, सारे सवालों का जवाब तमन्ना शेख मैडम ने बखूबी दिया। और तमन्ना शेख मैडम ने यह भी बताया कि कंपनी किस तरीके से लोगों को 25% पैसा करके हर 4 महीने में इन्वेस्टरों को देने वाली है, जो कि सही तरीका है। इससे कंपनी भी चलती रहेगी और लोगों का जो रोज़गार है वो भी जुड़ा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। कंपनी में बहुत सारे इम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, बहुत लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपा ने किस तरीके की समाज सेवा की है, कैसे उनकी एक नेशनल पार्टी है जिसकी वो अध्यक्षा हैं। उन्होंने सारी जानकारी दी, कंपनी की पूरी हर वो जानकारी दी जो कोर्ट को बताना ज़रूरी था, हर सवाल का जवाब दिया। और साथियों, सबसे बड़ी अहम बात ये थी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने ये सवाल रेज किया था कि कंपनी के पास कोई GST नंबर नहीं है और कंपनी का कोई टर्नओवर के बारे में पूछ रहा था, कितना टर्नओवर है ये उसको क्लियर नहीं है। तो साथियों, बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि सबसे पहली बात ये है कि बहुत भारी संख्या में आज कंपनी के सपोर्टर्स मौजूद थे। ये देखकर जज महोदय बहुत प्रभावित हुए और आखिरी में जब पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई, 1 घंटे के बाद जज महोदय ने वकील तमन्ना शेख मैडम को बुला करके कहा कि आप अपने GST का और कंपनी के टर्नओवर का और कंपनी के सारे रजिस्ट्रेशन का पूरा सबूत दे दीजिए, क्योंकि 2 जुलाई को इसका फैसला आना है, इसमें काफ़ी सहायक साबित होगा। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वकील तमन्ना शेख मैडम ने जाके पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, जो GST कितना GST भरा है, GST के सर्टिफिकेट के साथ कंपनी का कितना टर्नओवर है, सारी चीज़ों की पूरी जानकारी जज महोदय को आखिरी में दी। ये बहुत बड़ी बात रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी आखिरी समय तक कोर्ट में मौजूद था, कोर्ट कंपाउंड में, और ये जानकारी तमन्ना शेख मैडम ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले दी थी, मैं उनके सामने ही खड़ा था उस समय। तो साथियों, इंशाल्लाह जो 2 जुलाई को वर्डिक्ट आना है इसका फैसला हम लोगों के हक में होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों, आप लोग का आज जो आर्ग्यूमेंट हुई है बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट हुई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के हर सवाल का तमन्ना शेख मैडम ने बखूबी जवाब दिया है और आज सैकड़ों की संख्या में तादाद में सारे नव समर्थक कोर्ट के अंदर मौजूद थे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जुलाई को जो जजमेंट आने वाला है कोर्ट का, उससे आपके चेहरे पर खुशी दौड़ जाएगी दोस्तों, जैसे कि इसके पहले लगातार होती रही है। तो 2 जुलाई तक का इंतज़ार करिए साथियों। उसके बाद मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी 24 तारीख को बॉम्बे हाई कोर्ट में SFIO वाला मामला है, वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। 24 तारीख को हैदराबाद हाई कोर्ट में भी SFIO का मामला है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। और साथियों, एक सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं कि जो रायगढ़ वाला केस है, मुरुद जजीरा वाला, उसमें भी 25 तारीख को आर्ग्यूमेंट है, अलीबाग सेशंस कोर्ट में आर्ग्यूमेंट है। और वहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट की जो भी रिपोर्ट रहेगी दोस्तों, वो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा मातृभूमि टीवी पर। दोस्तों, ये रिपोर्टिंग मैं इस समय थाने कोर्ट कंपाउंड के अंदर से कर रहा हूँ और जो भी सच्ची खबर रहेगी सबसे पहले आप मातृभूमि टीवी पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। खुदा हाफिज़। जय हिंद।